इसमें हमने डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपका मसाला तैयार हो चुका है मोमो के लिए। और मसाला तैयार होने के बाद क्या करना होगा आपको बताया गया है। जैसे कि देखिए, मैदा का आटे की तरह बेलना होता है, गेहूं के आटे की तरह, ये जैसे हम लोग तंदूर रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह का मैदा को बेल लीजिए। यहाँ देखिए बेला जा रहा है, देखिएगा इस तरह से बेलना होता है। फिर काटना कैसे होता है देखिएगा ध्यान से। तो एक पूरा मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, इसी तरह से आप भी घर में बना के खाइए, बहुत मज़ा आएगा। आज मैं भी बना के खा रहा हूँ, हमारे यहाँ अक्सर बनाते ही रहते हैं हम लोग और खाते रहते हैं, क्योंकि जो बाज़ार में खाएँ उससे अच्छा है घर में बना के खाया जाए। ये मैं आपको बता दूँ कि ये सोयाबीन का आज मोमो बनाए जा रहे हैं, सोयाबीन का मसाला बनाकर उसके बाद इसका हम लोग मोमो बनाने जा रहे हैं। आज आपको पूरा दिखाएँगे कैसे कैसे मोमो बनता है, अभी देखते जाइए। इस तरह से पूरा बेला जाता है, बेलिएगा, उसके बाद इसको काटा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, गिलास से काटेंगे हम लोग, तब जाके ये बनेगा। मैदा होता है लचीला, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल लगता है देखने में, देखिए। तो पतला भी, जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा रहता है, उतना ही जल्दी भाप से स्टीम से पकेगा, मैं आपको बता दूँ। और बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहिए, बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए देखिए कितना लाजवाब बन रहा है, देखिए कैसे गिलास से काटा जा रहा है, देखिएगा। इस तरह से घर में आप भी गिलास से काटिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है कि आप एक एक पीस अगर बेलोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, गिलास से एक बार में आपको 3-4 पीस निकल जाते हैं, तो ये अच्छा है ना। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, एक बार में 4 मोमो 5 मोमो हम लोग बना लेते हैं एक बार बेलने पे, ठीक है। तो चलिए आपको अब धीरे धीरे बना के दिखाएंगे पूरा प्रोसेस। देखिए ऐसे मसाला भरा जाता है, ये कंप्लीट बिहारी स्टाइल मोमो है भाई, पहले बता रहे हैं। ये हमारा बिहारी स्टाइल मोमो है और लाजवाब बना है, देखिए कैसा लगता है। आप बना के घर में देखिए इसी स्टाइल में, उसके बाद बताइएगा। देखिए हो गया, ये हो गया मोमो, कितना सुंदर बना, देखिए क्यूट सा मोमो, देखने से अच्छा लग रहा होगा आपको, कैसा लग रहा है दोस्तों। देखिए और बनेगा, ये हम पूरा आपको दिखाने वाले हैं एक एक करके। देखिए पहले इसमें 1 चम्मच मसाला डाल दीजिए, 1 चम्मच से ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच काफ़ी होता है। 1 चम्मच डालने के बाद आपको आराम से भर जाता है और मोड़ने में आसान होता है दोस्तों, ठीक है। और इस तरह से घुमा दीजिएगा, देखिए भरने के बाद सुंदर से बन जाती है। और फिर इसको स्टीम में पकाएंगे हम लोग, वो भी दिखाएंगे आपको कैसे पकाते हैं, सब वीडियो में बने रहिएगा बस, और उसके बाद मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए तीसरा बन रहा है, तो इस तरह से आप बनाइएगा, सब बन जाएगा और फिर खाने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा बन चुका है, चौथा पांचवा सब इसी तरह से बनेगा, बने रहिए ब्लॉग में और बहुत मज़ा आएगा आपको दोस्तों। खा के भी टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ब्लॉग को, देखिए कितना सुंदर सा क्यूट सा बन गया दोस्तों, देख रहे हैं। इस तरह से क्यूट सा बनाना है आपको, 4 तैयार हो गए। देखिए दोस्तों मोमो बन गया है, और नहीं बना नहीं है अभी, इसको स्टीम में डाल रहे हैं हम लोग। देखिए इस तरह से रखा जा रहा है इसमें, लेकिन पहले सबसे पहले आप तेल लगा लीजिएगा,
हमने तेल लगा दिया है चारों तरफ। उसके बाद एक एक करके इसके अंदर रख रहे हैं, ठीक है। ये बर्तन में छेदा रहता है तभी स्टीम से पकता है। और पानी यहाँ हमने रख दिए हैं, देखिए इस सॉसपैन में, यहाँ देख सकते हैं इसमें छेदा रहता है, ठीक है। इसके उसमें अंदर हम लोग मोमो रख रहे हैं, और इसके देखिए अंदर पानी रखा हुआ है, इसका स्टीम से ये पकेगा, ठीक है। मैंने बैठा दिया है, अब स्टीम इसमें आएगा, उसके ऊपर से ढक देंगे और जल्दी, बहुत जल्दी काम होगा, देखना 5 मिनट में तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हीट भी पूरा दे दिया गया है, करीबन लगता है कितने हीट पे चल रहा है ये, 1100 वोल्ट पे चल रहा है ये अभी, देख सकते हैं। तो बहुत जल्द हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, देखते जाइए। फिर चटनी कैसे बनता है वो भी बताऊँगा, चटनी का भी सब तैयारी हो रही है। आइए बने रहते हैं ब्लॉग में, देखते रहिएगा। मोमो बन गया है, स्टीम से निकाल दिया गया है, देखिए कितना फर्स्ट क्लास मोमो बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सामने रहते तो आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत ही झकास मोमो बन के निकला है। 20 पीस है इसके अंदर, मोर देन 20 पीस होगा, ज़्यादा है, हाँ। अब मोमो यहाँ बन चुका है, अब हमारा चटनी बनने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मोमो पूरी तरह से पक गया है, 15 मिनट हमने छोड़ा था स्टीम में, 15 मिनट स्टीम हुआ, उसके बाद ये बन के तैयार हो गया। और अभी और बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी और 20 पीस निकलता है, यहाँ हम डालने जा रहे हैं। अभी देखिए तैयारी चल रही है, और चटनी भी बन रही है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए चटनी भी तैयारी चल रही है, तो चटनी भी बन जाने दीजिए। टमाटर की चटनी है, इसमें और क्या क्या डालेंगे? लहसुन, टमाटर, मिर्चा, नमक। लहसुन, टमाटर, मिर्चा, अदरक वगैरह डाल के इसमें बनेगा? अदरक नहीं डालना, हाँ चटनी बनेगी तो अदरक नहीं डालना, नमक डालिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, टमाटर का बन रहा है तो अच्छे से बनाइएगा, अच्छा से झकास रहेगा, ठीक है। तो चलिए बन जाने दीजिए पूरा, उसके बाद टेस्ट किया जाएगा, है ना। चलो देखिए, मेरे बाबू अभी सो के उठा है, एकदम भकूरा नियन लग रहा है, कैसा लग रहा है? ये भी मोमो देख के मांग रहा है कि मुझे भी दो दो, जल्दी दो, तुम मांग रहे हो, खाओगे तुम? देखिए हाथ का इशारा कर रहा है वहीं पे कि मोमो दीजिए, यहाँ मोमो रखा हुआ है, मोमो को देख के ये मांग रहा है कि मुझे भी मोमो चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा देर इंतज़ार करो, तुमको मोमो देते हैं, ठीक है। चलो तब तक वीडियो में बने रहेंगे और बहुत चीज़ें करेंगे हम लोग। हाय गाइस, तो फाइनली हमारा मोमो जो है बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप, देखिए कितना लजीज केम अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा, पूरा बढ़िया से मोमो बन के तैयार हो गया घर में खाने के लिए, और ये हमारा बिहारी स्टाइल मोमो है भाई, ठीक ना। तो कैसा लगता है ये ज़रूर टेस्ट करके बताएंगे हम, आइए देखते हैं ज़रा कैसा बना है, चलिए देखते हैं ज़रा कैसा बना है। ये देखिए चटनी बना है जो काफ़ी अच्छा बना है, जो मोमो थोड़ा सा फट जाता है ना वो खाने में और मज़ा आता है। तो अब इसको चटनी के साथ यहाँ पे ऐसे चटनी में लगा दीजिए, तो डुबा के चटनी को बढ़िया से डुबाइए, देखिए उसके बाद इसको डायरेक्ट मुंह में ले जाइए, आह हाँ कितना अच्छा लगेगा, लाजवाब। चलिए इसको खाकर आपको दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए आह कितना टेस्टी होने वाला है, लाजवाब, घर का मोमो अति सुंदर है। चटनी के साथ खाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अगला वीडियो फिर आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, देखकर लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा,
और मोमो खाना हो तो पधारिएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए कितना मस्त मस्त मोमो बना है, एकदम स्टीम देके बनाया गया है, इसलिए इतना क्यूट सुंदर सा लग रहा है मोमो, देख सकते हैं आप, है ना। तो इसको चटनी के साथ जब खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, चटनी तीखा होना चाहिए, तीखा है चटनी तो मज़ा आ रहा है खाने में। काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए तब तक मैं मोमो एंजॉय करता हूँ, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बन सके वो कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस, लव यू ऑल। हाँ तुमको कैसा लगा ब्रदर मोमो खाकर? अच्छा लगा ना तुमको? भी अच्छा लगा ना, हम जानते हैं।